तो बात करते हैं फियोक्रोमोसाइटोमा के नोट्स की यार। फियोक्रोमोसाइटोमा क्या है? ये ट्यूमर है। ट्यूमर ऑफ व्हाट? ट्यूमर ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि किससे कंपोज किया गया है? क्रोमाफिन सेल से, जो कि क्या सिक्रेट करते हैं? कोर्टिकल कैटेकोलामिन्स, एड्रेनल ग्लैंड के अंदर। इट इज द ट्यूमर ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कंपोज्ड ऑफ क्रोमाफिन सेल दैट सीक्रेट कैटाकोलामिन्स। ठीक है, इसके अंदर क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो फ्यूक्रोमोसाइटोमा के अंदर हाइपरटेंशन देखने को मिलता है यार इसके पेशेंट्स में, हेडेक हो सकता है ना, वेट लॉस, पाल्पिटेशन सुनाई देख सकते हैं, स्वेटिंग, फ्लशिंग हो सकता है। और क्या देखने को मिल सकता है? स्वेटिंग एंड फ्लशिंग यार। तो क्लिनिकल फीचर्स में ये सब हैं। इन्वेस्टिगेशन में हम क्या करा सकते हैं? प्लाज्मा मेटानेफ्रिन चेक करा सकते हैं। प्लाज्मा मेटानेफ्रिन 24 आवर, VMA। VMA इसका है विनाइल मेंडेलिक एसिड, किसके अंदर? विनाइल मेंडेलिक एसिड किसके अंदर? यूरिन के अंदर। ये चेक करा सकते हैं यार 24 आवर, यूरिन मेटानेफ्रिन चेक करा सकते हैं। ओके, 24 आवर यूरिन मेटानेफ्रिन, 24 आवर यूरिन फ्री कोटाकोलामिन्स का पता कर सकते हैं। उसमें अगर ये बढ़ा हुआ रहा तो समझ सकते हैं कि ट्यूमर हो सकता है यार। ट्वेंटी फोर आवर है ना, मतलब फ्री कैटाकोलामिन्स से चेक करा लिए हमारे पास है ना। प्लाज्मा कैटाकोलामिन्स का भी कंसंट्रेशन चेक करा सकते हैं। सीटी और एमआरआई कराएंगे यार। टू लोकलाइज व्हाट? टू लोकलाइज ट्यूमर। तो ये हो गया इन्वेस्टिगेशन, क्लिनिकल फीचर। और ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है वो क्या है? एक्सीजन ऑफ द ट्यूमर इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। तो प्री ऑपरेटिव क्या क्या करेंगे? सो प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशंस कौन कौन से हैं यार? कंबाइंड अल्फा फिनॉक्सी बेंजामाइड प्लस बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हैं, प्रोप्रानोलॉल है ना। पहले स्टार्ट नहीं करेंगे, बाद में, पहले अल्फा ब्लॉकर्स देंगे। सो बीटा ब्लॉकर इज नेवर स्टार्टेड फर्स्ट, ये इम्पोर्टेंट है बिकॉज और बढ़ा देगा। हाई सोडियम डाइट खाने के लिए बोलेंगे। और इफ अनकंट्रोल है हमारे पास जो कैटाकोलामिन क्लेमर है, तो हम क्या देंगे? मेट्रीरोसिन देंगे, मेट्रोसिन एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ये तो हो गया प्री ऑपरेटिव। इंट्रा ऑपरेटिव क्या करेंगे? इंट्रा ऑपरेटिव प्रिपरेशंस क्या क्या हैं भाई? मॉनिटर करेंगे बीपी को। पोस्ट ऑपरेटिव क्या क्या करना पड़ेगा हमको? पोस्ट ऑपरेटिव में हमारे पास अगर हाइपोटेंशन हो गया तो एडिक्वेट फ्लूइड सप्लीमेंटेशन देंगे। और रिप्लेसमेंट, ओके। तो ये हो गया हमारे पास ट्रीटमेंट, इन्वेस्टिगेशन, क्लिनिकल फीचर ऑफ यूक्रोमोसाइटोमा।